नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जबकि सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। वहीं परीक्षा होने पर 15 दिन पहले इसकी सूचना दी जाएगी। बता दें 1 जून को दोबारा बैठक होगी, जिसमें 12वीं की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। 4 मई को बता दें बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ये फैसला लिया गया। बता दें कोरोना के प्रकोप के बीच मध्य प्रदेश में भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को टालने का फैसला लिया गया है। एमपी स्कूल एजुकेशन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि देश में लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच राज्यों के मुख्यमंत्री नेताओं ने परीक्षाओं को रद्द कराने की अपील की थी। देश में करीब 30 लाख बच्चों को सीबीएसई की परीक्षाएं देनी है। हालांकि बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मांग की थी। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी परीक्षाएं रद्द कराने की लगातार मांग कर चुके हैं। बता दें कि कोरोना काल के बीच बच्चों की अधिकतर पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से ही हुई थी। बीच में कोरोना के मामले घटने के बाद स्कूल खोले गए थे, लेकिन अब जब परीक्षाओं की बारी आई तब केस फिर से बढ़ने लगे। कई राज्यों ने अपने यहां की बोर्ड परीक्षाओं को टाल दिया है। ऐसे में केंद्र पर सीबीएसई की परीक्षाओं टालने का दबाव बन रहा था, जिसके तहत अब 12वीं की परीक्षाओं को जो है सीबीएसई की टाल दिया गया है और 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।